या जो भी गवर्नमेंट की गलती है, ये आईसीसी टूर्नामेंट है। पूछे जा रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट और बीसीसीआई से सवालात। पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया और पाकिस्तानी शायकीन को इंडिया के वीजे अभी तक क्यों नहीं मिले हैं? साकिबुल हसन, जिन्होंने अपने क्रिकेट के अंदर बैटिंग में वर्ल्ड कप क्रिकेट में मियादाद का और बहुत सारे जो बैट्समैन हैं उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ना सिर्फ बैटिंग में उन्होंने इनका सबका रिकॉर्ड तोड़ा है, इसके अलावा उन्होंने बॉलिंग में भी इमरान खान और ब्रेडली जैसे बॉलर्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। या तो मैंने वही कहा था यार, क्विंटन डिकॉक आज शायद उनके वर्ल्ड कप का पहला शाकिब से जब कंपैरिजन करता हूं ना, शाकिब खुद कहते हैं कि मैं 5 वनडे के वर्ल्ड कप खेल चुका हूं। इट मींस वो बहुत सारा एक्सपीरियंस एज अ गेंदबाज भी लेकर आते हैं। आज एक बड़ा दिलचस्प मैंने स्टार्ट देखा है। अच्छा, साकिब उल हसन ने वर्ल्ड कप में इतने बड़े बड़े बल्लेबाजों से ज्यादा रन बनाए हैं, उनमें से एक जावेद मियांदाद है। 2000 कई सारे बैट्समैन है दुनिया के बड़े बड़े महान महान, उनसे ज्यादा वर्ल्ड कप में रन बनाए हैं। जावेद मियांदाद का नाम याद है आज 3 बॉलिंग में। अब सुनिए, बॉलिंग में ब्रेडली से वर्ल्ड कप में ज्यादा विकेट हैं, इमरान खान से उनकी वर्ल्ड कप में ज्यादा विकेट हैं। कैन यू इमेजिन? ये है शाकिब, इमरान को आई थिंक 75-79 शाकिब प्लस उनका स्ट्रेचर और उस टीम की परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल। ऐसे ऑलराउंडर है किसी भी टीम में वो जा सकते हैं। आप बोलो बांग्लादेश जब जीतेगी तो शाकिब की परफॉर्मेंस और निखरेगी। और आज बांग्लादेश के लिहाज से भी सर ये था ना कि शाकिब और तामिम की कहीं ना कहीं लड़ाई होकर ही आई है, तो शाकिब का एज अ लीडर ऐसा परफॉर्म करना और उस टीम का ऐसे परफॉर्म करना। अब मेहदी हसन मिराज आप उनको देखो ना, उनको बैटिंग में ऊपर भेजते हैं, रन भी बना रहे हैं, विकेटें भी दे रहे हैं, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट बन गया वहां पर। रोहन वर्मा जी वो कह रहे हैं, विक्रांत भाई ये पाकिस्तानी रिपोर्टर्स फुल ऑफ कॉमेडी हैं, पहले क्राउड लेकर रोते थे, आज एक न्यू चीज आई है, धर्मशाला ग्राउंड वेट था, बीसीसीआई इज किलिंग द क्रिकेट, मोस्ट फ्लॉप वर्ल्ड कप भी 4 मैचेस में इनका ऐसा आरोप। मैं आपको एक बात बताऊं, जो जर्नलिस्ट है ना पाकिस्तान के, मैं तो भाई उनको अरसे से जानता हूं, वो इस तरह की बात नहीं करते। अब मुझे नहीं पता कि आप जर्नलिस्टों को देख रहे हो या आप कॉमेडी शो देख रहे हो, मुझे नहीं मालूम, या आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो, तो मैं देख रहा हूं वो बड़ी नुक्ताचीनी हो रही है कि भी ग्राउंड खाली है, वो जी ग्राउंड छोटा है। और भाई पाकिस्तान में क्या वो एमसीजी पाकिस्तान में? मैं आपको एक किस्सा सुना, तो 2006 का, अब 2006 वो दौर था जब शाहिद अफरीदी बैटिंग अच्छी करते थे, लाहौर में पहला टेस्ट मैच इन्होंने बड़े रन बनाए, छक्के मारे, तो पाकिस्तान ने क्या किया, इंडिया के पास अनिल कुंबले और हरभजन सिंह थे, इन्होंने बाउंड्री छोटी कर दी थी टेस्ट सीरीज में, सो दैट इंडिया के स्पिनर्स बहुत, तो ठीक है भाई बाउंड्री छोटी कौन से पार्क में खेल रहे हो क्या? अब अगर उनकी टीम यहां पे खेल रही होती 428 बना देती। दूसरी बात है जो पाकिस्तानी, मैं बार बार कह रहा हूं, जो जर्नलिस्ट हैं वो इस तरह की बात नहीं करते हैं। अब मुझे नहीं पता इन्होंने किसको सुन रहे हैं रोहन जी, और आप ये वही आपकी चॉइस है भाई, आप उनको सुनो जो आपको लगता है क्रेडिबल है। एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा, जो आई थिंक बीसीसीआई की गलती मानी है या जो भी गवर्नमेंट की गलती है, ये आईसीसी टूर्नामेंट है, आईसीसी टूर्नामेंट में पाकिस्तानी जो मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उनको वीजा मिलना चाहिए था। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो टीम अपना एक मैच खेल चुकी है और पिछले कई दिनों बेचारे से उधर से व्हाट्सएप पर वीजा के लिए, हाँ वीजा के लिए वो इंतजार कर रहे हैं, वो गलत बात है। मतलब मैं हैरान हूं के, और ये आईसीसी टूर्नामेंट है यार, वकार यूनिस पहले पहुंचे थे क्योंकि आज वो दिखे मुझे वहां पर, वकार यूनिस, क्योंकि वकार रमीज राजा इनको देखो, हम जानते हैं इंडिया और पाकिस्तान में वीजास कैसे होते हैं, ठीक है ना, मैं सब समझता हूं, लेकिन यार आईसीसी टूर्नामेंट है, जब अक्रेडिटेशन आपने आई थिंक 45-50 पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की थी, मुझे पता था कि शायद सबको वीजा नहीं मिलेगा, हो सकता 20-25 को मिले, बट यार आप उनको प्रोसेस है ना, यस इंडिया की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो उसको वेट करेगी, बट थोड़ा प्रोसेस जल्दी कर देते आप। तो मेरा ये मानना है कि ये अनफॉर्चुनेट है कि जो उनके मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो जो जिन्होंने वर्ल्ड कप्स कवर किए हैं, आईसीसी टूर्नामेंट्स कवर किए हैं, उनको अभी तक वीजा नहीं। आज बीसीसीआई की तरफ से कुछ है अपडेट शायद कि इस मुद्दे को आगे निकल जाएंगे। हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि आप वो वही है कि अगेन वो एक फिर से वो वाला पार्ट आ जाता है जहां पर आप इस वर्ल्ड कप में कहां कहां पिछड़े। फैंस का मुझे नहीं पता कि गवर्नमेंट सेफ मानती नहीं मानती है, बट जो लोग अक्रेडिटेड मीडिया है जिन्होंने आईसीसी टूर्नामेंट्स कम से कम किए हुए हैं, उनको तो दे देना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल।